सरकार का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबका घर हो अपना का जहां लाभार्थियों के योजना के तहत अनुदान राशि मिलने में आ रही दिक्कतों से जहां लाभार्थी दफ्तर के चक्कर काटने पर मजबूर हो रहे हैं, वहीं आज रादौर की छोटा बांस बस्ती के लोग इस योजना का लाभ न मिलने से खफा होकर नगर पालिका कार्यालय में पहुंचे और यहां सरकार विरोधी जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर प्रदर्शन का नेतृत्व करते पार्षद दिलीप ने कहा कि 2017 में इन लोगों के फॉर्म जमा करवाए गए थे, लेकिन अब इन लोगों को ये कहकर योजना से वंचित किया जा रहा है कि वे लोग अवैध कब्जाधारी हैं। 2017 से फार्म भरवाए हुए हैं लोगों के, 2017 से फार्म भरवा के आज 2019 चल गया, दो साल में अब तक ग्रांट नहीं दी। कह रहे जी 192 बंदों के नाम आ गए, ग्रांट देंगे, कभी आचार संहिता का बनना लगा देते हैं, कभी कोई बनना लगा देते हैं, उसकी रसीदे लोग ले रहे हैं, हाथों से रसीदे गुम होगी। दूसरी बात, हाथों के एलिजिबल हैं वो, मतलब उनको मिलना चाहिए। आप जाके सर्वे करवाइए, आप अपने तौर पे सर्वे करिए, मीडिया में तो कहता अपने मीडिया भाइयों से वो अपने तौर पे सर्वे करिए और आप जाके इनकी हालत देखिए। उनके पास रजिस्ट्री अभी यहाँ, उनका सर्वे में लिस्ट, सर्वे लिस्ट में भी नहीं नाम है। अब यहाँ पे आए हैं, कह दिया जी प्राइवेट आदमियों ने सर्वे किया, अपना क्या क्या ये पल्ला झाड़ रहे हैं। अब एक बात बताओ, जिन आदमियों को मिलने की जरूरत है आप उनको उनका पूरा अगर वो बेनिफिट नहीं दे सकते तो क्या फायदा है स्कीम चलाने का, इसको बंद कर दिया जाए। ये सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है, ये सबका साथ और अपना विकास हो रहा है। 192 से अलग कितने ऐसे आदमी हैं जिनको ये लाभ मिलना चाहिए, उनके नाम नहीं है लिस्ट में। आप पूरे पटाक माजरी में से आप जाके देखिए क्या हालत पटाक माजरी की, क्या छोटा बांस की, क्या धक्का बस्ती की, क्या यहाँ अन्य माजरियों की। इन इन इन्होंने ये फैसला लिया आज अपना, ये जाके अपना अभी विधायक जी से मिलने जाएंगे, इनको क्या वहाँ से जवाब मिलता है, उसके बाद शाम को इकट्ठे होके अगली एक महापंचायत इकट्ठी करेंगे जिसमें सारे अपने दलित भाई और जो अपने पिछड़े आदमी हैं वो सारे इकट्ठे होके पूरी लड़ाई लड़ेंगे। चाहे अपना एजिटेशन सरकार के खिलाफ शुरू करेंगे, चाहे 6 महीने लगे चाहे साल लगे, अपनी लड़ाई और अपना जो इनका हक है वो इनको दिला के बैठेंगे। जी है कच्चे मकान में पड़े गिरने वाले हो रहे और बिजली का बिल भर रहे, टूटी का बिल भर रहे जी, कोई हमें ग्राहक नहीं, कोई कुछ नहीं, और कहा जी कूड़े के पैसे ले रहे और कहा जी तुम नजायज कब्जे में है और थारा ग्राहक कोई नहीं आएगा, ऐसे ऐसे बोलते हैं जी। यहाँ यहाँ जी हम हो गए 50 साल से, यहाँ तो कहीं चक्कर मारे जी कभी नहीं, कहीं तुम तो नजायज कब्जे जी, तेरा ग्राहक नहीं आएगा, थारा मीटर नहीं लगेगा, ऐसे ऐसे बात बनाते हैं। हम गरीब लोग चले जाते हैं, 100-100 रुपए खो देते हैं, अपना फार्म भरवा लेते हैं, कुछ पैसे मिल जाए हम भी अपने कुछ पक्के मकान बना लें, और क्या है हमारा मीटर लग जा हमारा, और क्या नजायज कब्जे में ये हमारा पक्के में कर दो जो बताए। वहीं इस बारे में नगर पालिका सचिव सुरेंद्र मलिक ने कहा कि योजना के तहत रादौर में कुल 192 लाभार्थी हैं, जिनमें से प्रथम चरण में 52 लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अब तक 8 लाभार्थियों को इस योजना के तहत पहली किस्त जारी की जा चुकी है। दूसरी किस्त में विलंब पर उन्होंने कहा कि चुनाव आचार संहिता के चलते दूसरी किस्त की राशि में देरी हुई है, जल्द ही लाभार्थियों को राशि जारी कर दी जाएगी। वहीं उन्होंने छोटा बांस के योजना से वंचित परिवारों के बारे में कहा कि ये सभी अवैध कब्जाधारी हैं, जिस वजह से इन्हें योजना का लाभ नहीं मिल सकता। पीएमआईवी के तहत टोटल 192 बंदों ने फाइल अपनी जमा करवाई थी जिनकी सेंक्शन हो गई थी, उसमें से पहले केस में 54 बंदों को हम सेंक्शन लेटर जारी किए जा चुके हैं, जिसके अगेंस्ट सरकार द्वारा 14 लाख की ग्रांट राशि जारी की गई थी, इसमें से 8 व्यक्ति को पैसे मिल भी चुके हैं। ये जो लोग इकट्ठे होकर आए हैं इनके पास अपनी ज़मीन की मलकी का प्रूफ कोई नहीं है, इसलिए उनकी फाइल एक्सेप्ट नहीं हुई। जिनके पास फाइलें जमा है, जिनके कागज सीधे ले रहे हैं, उनको पैसे पक्का सरकार जारी करेगी, इसमें कोई दोराय नहीं। जैसे नजायज कब्जे की बात आ रही है, नजायज कब्जे वालों को तो सरकार कोई ग्रांट देती नहीं है, उनके लिए क्या दूसरी किस्तों का, जब उनको प्लिंथ लेवल पर पहले पैसे जारी कर दिया, अब उसका लेंटर उसके टल गया है, वो दूसरी जारी किए जा रहे हैं, और 4 सप्ताह का ग्रांट राशि जारी नहीं की गई, 4 सप्ताह खत्म हो गई है, कैसे कैसे आदमी जारी कर दिए जाएंगे।